बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद का तुम सब खैरियत से होंगे। तो हम आपको अपने चैनल पर करते हैं वेलकम। तो आज हम आपको अडोब प्रीमियर प्रो सीसी के अंदर जो है वो क्रॉलिंग करना बताएंगे कि हम जो है यहाँ पर क्रॉलिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं और क्रॉलिंग के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास अगर हमारी कोई वीडियो नहीं है तो हमने सबसे पहले जो एक ब्लैक वीडियो बनानी है। ब्लैक वीडियो बनाने के लिए हमें यहाँ पर न्यू आइटम पर जाना पड़ेगा। न्यू आइटम पर जाके यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सामने लिखा हुआ है ब्लैक वीडियो। ब्लैक वीडियो को हम यहाँ से ओपन करेंगे, वो आपको बता रहा है कि आपने कौन सी वीडियो की सेटिंग पर जो आके इसको जो है वो ब्लैक वीडियो को बनाना है, फुल HD बनाना है या 4K बनाना है या 4K प्लस बनाना है। जिसमें बनाना है वो यहाँ पर जाके आप उसकी रेजोल्यूशन वगैरह जो है विड्थ हाइट लिख देंगे कि वो उसी साइज़ के आपको ब्लैक वीडियो बना के जो है वो दे देगा। मैं बना रहा हूँ 1920x1080 मतलब कि फुल HD बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। अगर तो आप टाइम पेस जो है 60 PS रखना चाहते हैं वो रख लें, 30 रखना चाहते हैं, 40, 50, 59 जितने भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम ज़्यादातर जो है हम 60 FPS जो है वो ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मेरी ब्लैक वीडियो जो है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है हमारे प्रोजेक्ट में। और यहाँ से उठाकर हम यहाँ इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर लेकर आने के बाद ये हमारी वीडियो आ चुकी है बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर। यहाँ से हम इसको पकड़ कर थोड़ा सा वीडियो को पिक्चर जो ब्लैक वीडियो हमने बनाई है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब हमने जाना है क्रॉलिंग के लिए। क्रॉलिंग के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाने के बाद हमने जाना है न्यू। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर लग्जरी टाइटल जो है वो नज़र आएगा कि लग्जरी टाइटल आपको सामने बिल्कुल ये पड़ा हुआ है। लग्जरी टाइटल को हम यहाँ से करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आपसे फिर वो सेटिंग पूछ रहा है कि आपने कौन सी वीडियो की सेटिंग जो है वो रखनी है। हमने पहले हमारी ब्लैक वीडियो की सेटिंग वो 1920x1080 थी, इसकी भी हमने 1920x1080 ही रखनी है। यहाँ से हम इसको टाइटल 1 लिखा हुआ, यहाँ पर आप इसका कोई भी नेम जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास जो है हमारे लग्जरी टाइटल जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जाके अपना जो टेक्स्ट है वो लिखना है। मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया है। अब इस टेक्स्ट को हमने जो है वो नीचे की तरफ लेकर आना है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ से इंटर करते हैं, यहाँ से मतलब कि इसको ना एक तरतीब के अंदर जो है वो हमने लेकर आ जाना है। इसको लेकर आ जाने के बाद हम जो है इसका साइज़ वगैरह जो है इसको साइज़ को जो है वो बड़ा करना है। इंग्लिश इसकी जो स्टाइल है इसको हमने चेंज करना है। वो यहाँ पर जो लिखा हुआ ये है लग्जरी टूल वगैरह, ठीक है। यहाँ पर ये टैक्स जो कुछ भी आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है लग्जरी स्टाइल जो है वो हम कौन कौन से यहाँ पर इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाकर जिस तरह ये मैंने सेलेक्ट किया है ये जो है टाइटल बन चुका है। अगर आप अपना टाइटल बनाना चाहते हैं वो बनाकर यहाँ पर जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कोई ये चला जाए तो मैं यहाँ से ये जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो भी जिसको मैं सिलेक्ट ये को सब को सिलेक्ट करने के बाद जिसको मैं चाहता हूँ उसको मैं जाके ये सिलेक्ट कर सकता हूँ और इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लेफ़्ट आइकन जाना है आपने या सेंटर पॉइंट पर जाना है या लेफ़्ट साइड पर जाना है। मतलब कि लेफ़्ट साइड की जो साइड बार होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और जो राइट साइड की होगी वो आगे पीछे होगी। अगर ज़्यादातर इंग्लिश में जो होता है वो राइट साइड जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है वो थोड़ी सी आगे पीछे की तरफ होती है। ये हमने इसको जो है बिल्कुल तैयार कर लिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है इसके नीचे जो है हम जो है अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम इसको अंडरलाइन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम जो अपनी हमारी ये टेक्स्ट लिखी हुई है इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके इसको क्लिक करेंगे। टी को जो टेढ़ा सा है इसको ये हमारी जो है ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लग्जरी
जो हमारा टाइटल है इसको हमने इसकी जो है क्या इसको साइज इसको थोड़ा सा आगे पीछे की इसको रोटेशन करना है। यहाँ से जाके हम जो है इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इसको हम जो है वो सेट कर सकते हैं। हम जो है इसको बिल्कुल यहाँ पर जो आकर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमने जो यहाँ पर कलर लगाए हैं इनकी जो है वो थोड़ी सी हमने कम्बिनेशन जो है वो चेंज करनी है, तो आप यहाँ से जाके इसके जो है कलर वगैरह को जो है वो डार्क या लाइट कर सकते हैं। ये देखिए पहले लाइट था, मैंने यहाँ से इसको जो है वो सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके अब देखें कि हमारी इंग्लिश जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है वो जो चेंज हो चुका है। ये था हमारा काम। ठीक है, अब हमने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सेव कर लिया है कि अक्सर कई दफ़ा होता है कि हमारी लाइट ऑफ हो जाती है, तो हमने जो काम किया है वो अधूरा का अधूरा रह जाता है, हमें फिर से 0% से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए हमें जो है अपनी वीडियो को अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेना चाहिए। उसके बाद अब हमने जाना है यहाँ पर, जहाँ जब हम यहाँ पर जाएंगे इस जगह पर तो आपको वो पूछेगा आपने इसको स्टील रखना है, रोलिंग करना है, क्रोलिंग करना है या क्रोलिंग राइट करना है या लेफ्ट करना है। मतलब कि लाइट और लेफ्ट का मतलब है कि अगर आप क्रोलिंग यहाँ इस साइड से इस साइड को करना चाहते हैं तब वो भी हो जाएगी, अगर आप राइट से लेफ्ट साइड को करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। अब हम जो है यहाँ से इसको लेफ्ट से राइट करते हैं एंड स्क्रीन एंड स्टार्ट ऑफ स्क्रीन को एंड स्क्रीन करने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम जो है अपना इस टाइटल को यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर लेकर आने के बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं कि जो हमने टाइटल तैयार किया है वो जो हमारे सामने आ भी रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा इसलिए वो देखें ये बिल्कुल जो है वो स्लो है। इसको हम तेज़ करने के लिए अब हम इसको जो है छोटा कर देते हैं, या हम यहाँ से जाके इसको स्लो है यहाँ से इसको हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्पीड ड्यूरेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि वो आपको कह रहा है कि आपकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये एक टाइटल जो है हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो क्रोलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्रोलिंग बेसिकली होती ये किस जगह पर यूज़ होती है, ये ज़्यादातर न्यूज़ चैनल के जो नीचे एक आप बार सी नज़र आपको इंग्लिश या उर्दू में नज़र आ रही होगी वहाँ पर जो वो बार चल रही होती है उसको हम कहते हैं क्रोलिंग। ये बेसिकली हम जो है वहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमें हमारी ये क्रोलिंग वाली जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर तो हमारी क्लास पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।